आज भी मैं लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण सुन रहा था, सुन लेना जरा, आता हूँ उस पे। मैं जाके बैठ के सुन रहा था, मुझे लग रहा था लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है। आपको बजट के ऊपर बोलना चाहिए, उसके साथ पॉलिटिकल डिबेट आप कर ही सकते हो, किंतु कहाँ आप राजमिस्त्री में पहुंच गए, कहाँ आप वहां पहुंच जाते हो, क्या बोलते हो, पूरा दुनिया देखता है। लीडर ऑफ अपोजिशन का एक हाइट होता है, उसका गरिमा होता है। स्पीकर को बार बार टोकना पड़ता है, लीडर ऑफ अपोजिशन को। मैंने तो आज तक ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन, मैंने जब तक राजनीति में आया हूँ बाप, सुना हूँ, मैंने नहीं देखा जो इतना बार टोकना पड़ता है। आप गिन लेना कितना बार उनको बैठाना पड़ता है। लेकिन उन्होंने एक कड़ी पकड़ी है संसद में, बाकी सारी बातों के अलावा कहा कि जातिगत जनगणना में करवा करके रहूंगा रहूंगा रहूंगा। देखिए, और ये इनको अभी मेरे मित्रों, उनका अभी 99% भी पार नहीं हुआ। जातिगत जनगणना उनको करना, उनका सपना है, करना है, वो कह सकता है, किंतु वो शोभा उनको देता है जो सत्ता में बैठे हुए हैं। और सत्ता में नहीं भी बैठे लीडर ऑपोजिशन, ऑपोजिशन भी इस विषय को रख सकता है, पार्लियामेंट में बोल सकते हैं जैसे अभी बोल रहे हैं, किंतु जिस तरीके से उन्होंने बोला, जैसे काल ही वो रख देगा, जैसे लगता है नरेंद्र भाई पीएम ही बन गया। अरे, तीन इलेक्शन मिलके 240 नहीं हुआ। और पहले तो बताए भाई राहुल गांधी कौन सी जाति से आते, तो वो सब सवाल है भाई। ये क्या आप बोलते हो, कहाँ जाते हैं। पार्लियामेंट के गरिमा को रखना चाहिए, एक मर्यादा होता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.